सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है अपनी टेलीकास्टिंग के 11 साल पूरे कर चुका है। ये रिश्ता क्या कहलाता है 11 सालों का खूबसूरत सफर तय कर चुका है। अगर 11 साल पीछे जाकर देखा जाए तो याद होगा आपको, ये सफर शुरू हुआ था अक्षरा और नैतिक से। ये कहानी शुरू हुई थी अक्षरा और नैतिक की अरेंज मैरिज से। तमाशे होते गए, रिश्तों में प्यार बढ़ा, रिश्तों में गलत फहमियां आई, दुश्मन बढ़े, अपने दोस्त बने, दोस्त पराए बने, और इन सब धमाकों के आगे 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 अरेंज मैरिज का कॉन्सेप्ट नायरा कार्तिक की लव मैरिज पर पहुंच गया। इन 11 सालों में शो से कई नए चेहरे जुड़े हैं और इन्हीं 11 सालों में कई चेहरों ने शो से अपने आप को अलग किया है। अलग हुए चेहरों में सबसे ज्यादा पॉपुलर हिना खान। ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आन बान शान और जान हिना खान। ये रिश्ता क्या कहलाता है से हिना का चले जाना अक्षरा को भी ले गया, और जब अक्षरा गई लाखों लोगों का दिल टूट गया। लोगों को लगा कि अब हिना चली गई हैं तो शो जो है फ्लॉप हो जाएगा, लेकिन राजन शाही ने कहा द स्टोरी मस्ट गो ऑन, नो वन इज अबव द शो। उन्होंने साबित भी किया, अक्षरा नैतिक को हटाकर नायरा कार्तिक को शो की नई पहचान बनाया। लेकिन हिना खान ने दे दिया है हिंट कि वो आज भी ये रिश्ता क्या कहलाता है कि अक्षरा है। एज यू ऑल नो, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में हिना ये रिश्ता क्या कहलाता है से काफी आगे बढ़ चुकी हैं। खतरों के खिलाड़ी उन्होंने किया, बिग बॉस के सीजन 11 में वो नजर आई, इसके बाद हिना की एल्बम रांझना आई, हिना खान ने अपना डिजिटल डेब्यू किया, और इन सबके बीच में हिना ने हिंट दे दिया है शो के 11 साल पूरे होने पर, शी इज द वन, शी स्टिल द अक्षरा। हिना का वो पोस्ट और उनके पोस्ट के बाद फैंस ने किस तरह से खुशी मनाई है देखिए जरा। फेमस टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है को हो गए हैं 11 साल पूरे। ये रिश्ता क्या कहलाता है की कहानी 11 साल चल गई है, और जैसा कि आप सब जानते हैं इन 11 सालों में रिश्तों का सफर कई सारे उतार चढ़ाव से होकर गुजरा है। इन 11 सालों में सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है ने काफी कुछ देखा है। कभी शो बना टीआरपी किंग, तो कभी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि टीआरपी का ग्राफ आ गया बिल्कुल नीचे। अब इन सबके बीच में फिलहाल जैसा कि आप सब जानते हैं हिना खान ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आन बान शान रही हैं। हिना खान ये रिश्ता क्या कहलाता है कि जान रही हैं। लेकिन यही हिना खान ये रिश्ता क्या कहलाता है को छोड़कर, अक्षरा का किरदार छोड़कर जब चल देती हैं तो लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। हिना खान ने ये रिश्ता क्या कहलाता है छोड़ दिया, लेकिन लोगों ने उन्हें शो से अलग कभी नहीं समझा। हिना ने ये रिश्ता क्या कहलाता है की कहानी को छोड़ दिया, लेकिन लोगों ने हमेशा हिना को के वापस आने का इंतजार किया, और अब ऐसा लग रहा है कि हिना खान अगर ये रिश्ता क्या कहलाता है उन्हें ऑफर होता है तो जरूर आएंगी। ये खबर कहां से आई चलिए जरा आपको बताते हैं। दरअसल ये रिश्ता क्या कहलाता है कोई 11 साल पूरे हो जाने के बाद हिना ने अपने ट्विटर हैंडल पर किया है अपने किरदार अक्षरा को याद। जी हाँ, हिना का एक आप पोस्ट देख रहे हैं हमारी रिपोर्ट में, ये उन्होंने अपने इंस्टा अकाउंट पर स्टोरी डाली है जिसमें अपनी अक्षरा के लुक वाली तस्वीर शेयर करके वो लिखती हैं, दिस इज वेयर इट ऑल स्टार्टेड, हैशटैग हैप्पी 11 इयर्स टू मी, लॉन्ग लॉन्ग वे टू गो। यानी 11 साल ये रिश्ता क्या कहलाता है को हुए हैं और हिना आज भी अपने आप को इस शो से जुड़ा हुआ ही मानती है। हिना आज भी अपने आप को इस शो के साथ जुड़ा हुआ ही मानती है, और इन सबके बीच में सबसे बड़ी बात ये है कि हिना खान के इस पोस्ट पर लोगों ने कमेंट्स ये किए हैं, अब तो अक्षरा बनकर लौट आओ। हिना खान के इस पोस्ट पर लोग कह रहे हैं कि अब तो आ जाओ। कई कमेंट्स ऐसे हैं जहां लोग हिना के अक्षरा बनकर लौटने पर दिल वाले इमोजी भेज रहे हैं। यानी भले ही फिलहाल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि कहानी का पूरा भार नायरा कार्तिक पर हो, मोहसिन खान शिवांगी जोशी पर हो, लेकिन सच तो ये है कि आज भी शो से जुड़े हजारों लोग हैं जिनकी गाड़ी हिना खान से आगे पहुंची ही नहीं है। शो से जुड़े हजारों लोग हैं जिनके लिए आज भी
ये रिश्ता क्या कहलाता है का मतलब अक्षरा है। खैर 11 साल पूरे हो जाने के बाद सबसे अच्छी बात ये है कि हिना ये रिश्ता क्या कहलाता है कि अक्षरा अब भी खुद को मानती है। आज भी हिना खान को अपने अंदर एक अक्षरा ही नजर आती है। बता दे आपको 11 सालों में काफी कुछ बदला है। ये रिश्ता क्या कहलाता है कि कहानी का प्लॉट बदला है, हिना खान की जिंदगी बदली है, हिना खान का लुक बदला है, वो पूरी तरह से हॉट चिक बन चुकी हैं। बावजूद इसके सबसे खास बात ये है कि ये हिना खान अपने चाहने वालों को इस तरह से देती जा रही हैं प्यार, और अक्षरा बनकर उन्होंने यहाँ पर जो कही है बात वो अपने आप में है सबसे ज्यादा खास।